पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे नम भन्ते कम समयम सब्बप्पाहार ए भवति गोयमा पढ़म समयोव वन्न एवा चरिम समय समय भवत्थेवा इत्थनम जीवे सब्बप्पाहार ए भवति। प्रश्न किया गया कि जीव सबसे अल्प आहार किस समय करता है। हमारे जीवन के साथ आहार का गहरा संबंध है। हम स्थूल रूप में कवलाहार ग्रास कवल के रूप में भोजन लेते हैं और भोजन के बिना लंबे काल तक जिंदा रहना भी कठिन हो सकता है और उसमें भी फिर पानी पानी का तो और ज़्यादा महत्व है जीवन के लिए। अन्न के बिना फिर भी कई दिन आदमी निकाल दे, थोड़ा लंबा काल भी निकाल दे, उसकी तुलना में पेय के बिना जल के बिना समय निकालना ज़्यादा कठिन होता है। तो आहार के ओज आहार रोम आहार कवल आहार मनोभक्ष्य आहार यों अनेक प्रकार हैं। आहार के बिना जीवन चलता नहीं है या स्थूल भोजन की दृष्टि से लंबे काल तक टिक पाना मुश्किल होता है। तो प्रश्न यह किया गया, किस समय सबसे अल्प आहार जीव करता है। उत्तर दिया गया कि यह आहार की सर्वाल्पता उत्पत्ति के प्रथम समय में और जीवन के अंतिम समय में जीव सबसे अल्प आहार करता है। न केवल मनुष्य, सारे ही जो प्राणी हैं उन सब के लिए यही नियम है कि उत्पत्ति का प्रथम समय है और जीवन का चरम यानी अंतिम समय है। इन दो समयों में जीव सबसे कम आहार ग्रहण करता है। ऐसा क्यों होता है? कारण यह बताया गया है कि प्रथम समय है जो उत्पत्ति का, उस समय स्थूल शरीर का निर्माण भी नहीं होता है, इसलिए वह सबसे अल्प आहार करता है उत्पत्ति के प्रथम समय में। और जीवन का जो चरम समय अंतिम समय है उस समय में आत्म प्रदेशों का संहरण हो जाता है। आत्म प्रदेश संकुचित होकर शरीर के अल्प अवयवों में रह जाते हैं, इसलिए जीवन के अंतिम समय में भी जीव सबसे अल्प आहार ग्रहण करता है। प्रथम और अंतिम समय के सिवाय बीच का जो कालमान है उसमें अपेक्षाकृत अधिक आहार करता है। तो यह आहार का एक सिद्धांत है जो हमें शास्त्र में मिलता है। संभवतः कुछ गूढ़ बात है, हर किसी को तो सामान्य रूपेण इतनी जानकारी हो भी नहीं कि प्रथम समय में सर्वाल्प आहार और अंतिम समय में भी
सबसे अल्प आहार प्राणी ग्रहण करता है। हम स्थूल रूप में भोजन करते हैं, दिन में 3 बार और भी कोई बीच में चाय आदि भी पी ले, ज़्यादा भी कर ले, तो कितना आदमी भोजन लेता है। और करने वाले तपस्या भी करते हैं, कई बहुत लंबी तपस्या, जल के सिवाय और कोई भोजन कबल रूप में नहीं लेते हैं, तो कई कई जल भी नहीं लेते हैं लंबे काल तक। हमारे साधु समुदाय में सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक इस रात्रि काल में न भोजन लेना न पानी पीना, दोनों का ही वर्जन का सिद्धांत है कि पानी भी नहीं पीना। कितनी भी गर्मी का समय हो, मई जून अप्रैल ये महीने हो, यानी बैसाख जेठ आदि के महीने हो, रात्रि में साधु पानी भी न पिए, भोजन की तो बात ही दूर, पानी भी न पिए, यह साधु समुदाय का नियम होता है। इसका मतलब 12 महीनों में मोटा मोटी 6 महीनों का तो वर्जन हो ही गया भोजन का। गृहस्थ हैं वे भी कई रात्रि में भोजन नहीं करने का संकल्प रखते हैं, रात्रि भोजन का वर्जन करते हैं। और किसी किसी में तो इतनी आस्था कि बीमार हो गए तो भी रात को तो नहीं खाऊंगा, रात को तो नहीं लूंगा, अच्छी एक निष्ठा की बात होती है। तो भोजन हमारे जीवन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, हम भोजन में संयम रखने का भी प्रयास करें कि खाकर के खराब क्यों होना चाहिए, खार खराब क्यों हुआ, खाकर के खराब क्यों होना चाहिए, इतना ज़्यादा खा लें फिर शरीर खराब हो। हालांकि कई बार वो मन हो जाता है तो आदमी खा लेता है, या कई बार मनवार होती है तो आदमी थोड़ा यूँ ले लेता है, परंतु मनुहार कहीं माननी तो कहीं मनुहार को अस्वीकार भी किया जा सकता है। हर मनुहार को मानना जरूरी नहीं होता, और नहीं खाने की चीज़ तो नहीं खानी, फिर बोले 7 बार मनुहार कर लो, नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं पीना तो। अब आप लोग मान लो कोई कहीं मीटिंग आदि में जाएं या कहीं शादी में भी जाएं, कोई कह दे लो शराब पीजिए सा, तो नहीं पीना तो नहीं पीना शराब, तो मनुहार कहाँ मानना कहाँ नहीं मानना दोनों ही बात है। तो आदमी अपने भोजन में संयम भी रखे और भोजन में अपना विवेक भी, हमारे संत लोग हैं, भोजन में विवेक भी हो सकता है, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो ये भोजन की बात जो भगवती सूत्र में आहार की बात आई है कि जीव सबसे कम यानी अल्प आहार उत्पत्ति के प्रथम समय में और जीवन के अंतिम समय में ग्रहण करता है। मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा, यत्किंचित उनके आहार के बारे में भी जाना, उनका अपना आहार का संयम भी था। लगभग 90 वर्षों का उनका जीवन काल था। आचार्य तुलसी को भी देखने का सौभाग्य मिला, उनके पास रहने का मौका मिला, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास भी उनके चरणोपपात में रहने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, मौका नहीं मिला तो कालूगणी को देखने का मौका नहीं मिला। हम अभी आचार्य श्री कालूगणी अभिवंदना यह सप्ताह मना रहे हैं, और परम पूज्य कालूगणी हमारे धर्म संघ के अष्टम परम पूज्य आचार्य श्री थे, और मैंने कालूगणी के शिष्यों को भी देखा है। कालूगणी के 2 सुशिष्य तो खैर हैं ही, परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, मैंने और भी उनके अनेक साधुओं शिष्यों को देखा है,
और साध्वी जी को भी देखा है, संतों से हमारा थोड़ा ज़्यादा साध्वियों की अपेक्षा संपर्क रहता है, तो मैंने कालूगणी के शिष्यों को देखा, कईयों को देखा, तो कालूगणी के प्रति उनके मन में एक मानो एक विशेष एक श्रद्धा भाव, सम्मान का भाव भी देखा। और कई कालूगणी के शिष्यों को देखा, उन्होंने मेरे पर भी कृपा रखी। कालूगणी के कई शिष्य मेरे पर भी कृपालु से रहे, गुरुदेव तुलसी तो खैर थे ही थे, उनकी तो बड़ी कृपा रही, आचार्य महाप्रज्ञ जी की बड़ी कृपा रही, थोड़ी थोड़ी और भी कालूगणी के जो शिष्य हैं कईयों की मेरे पर कृपा दृष्टि माइतपना कृपा मुझे संभवतः प्राप्त हुआ। तो आचार्य श्री कालूगणी और महाप्रज्ञ जी, गुरु शिष्य का संबंध था, और परम पूज्य कालूगणी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो बालक नथमल के रूप में थे, टमकोर से होते थे, उनको दीक्षित किया सरदार शहर में। उनको विक्रम संवत 1987 माघ शुक्ला दशमी को दीक्षित किया था। वो बाघ का वो प्रांगण, बंसाली परिवार का कह दें, अभी सेठिया परिवार का वो बाघ, वहाँ बालक नथमल टमकोर की अनेक अन्य मुमुक्षुओं के साथ उनकी दीक्षा संपन्न हुई थी। और कालूगणी ने बालक मुनि नथमल को फिर मुनि तुलसी से मतलब मानो संपृक्त करा दिया, और एक छोटा सा बाल मुनि जो बालक के रूप में बच्चे के रूप में कालूगणी के साये में आया था, और कालूगणी से मानो पोष प्राप्त किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से ही मैंने संभवतः सुना था कि वो सुबह सुबह वो नाश्ते की इच्छा होती तो मैं कालूगणी के पास जाके खड़ा हो जाता, कालूगणी मुझे देखते कहाँ लगता है भूख लग गई है, तो साध्वी जी से कहते, साध्वी वो सोना जी जो भी नाम था, लाओ श्रावण लाओ, इसके लिए श्रावण लेके आओ, यानी गोचरी करके श्रावण वो नाश्ता लेकर के आओ। तो कह संतों ने कहा रे तुम्हारे तो बहुत आसान काम है, थोड़ा सा यूँ देखो और कालूगणी तत्काल तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, नाश्ता मंगवा देते हैं, ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से सुना था। यानी कालूगणी की कितनी कृपा रही थी। ये तो खैर एक मुनि थे, और भी कितने संतों पर कालूगणी की वत्सलता कृपा रही होगी, और हो भी क्यों नहीं। छोटे छोटे बालक जो घर परिवार को छोड़कर माता पिता आदि को जो भी हो छोड़कर के धर्म संघ में दीक्षित होते हैं, फिर जो बालक बच्चे होते हैं उनकी और विशेष बात है कि बचपन में माँ को छोड़ देना, पिता को छोड़ देना, और एक धर्म संघ में यूँ दीक्षित हो जाना। हालांकि बाल मुनि नथमल ने तो मानो माँ को छोड़ा नहीं था, माँ को साथ लेकर ही आ गए थे, माँ के साथ आ गए थे, माँ को घर में छोड़ा नहीं था, वो तो धर्म संघ में ही आ गई थी, फिर भी उस रूप में तो माँ दूर हो ही गई, जो बना रात में भी बच्चा माँ के पास, दिन में भी माँ के पास। तो आचार्य श्री कालूगणी को कई ऐसे शिष्य मिले हैं तो बहुत एक अच्छे रूप में उभर कर सामने आए हैं, अनेक शिष्य हुए। हालांकि ठीक है आचार्य पद पर तो सब के आने की रीत नहीं, पर अपने अपने ढंग से उनके कई शिष्य उभर कर सामने आए हैं। तो आचार्य तुलसी एक उनके सुशिष्य थे, तो उधर आचार्य महाप्रज्ञ जी भी एक मानो कालूगणी के विशेष कृपा पात्रों में संभवतः है। आचार्य महाप्रज्ञ जी यानी बाल मुनि नथमल जी टमकोर का नाम लेने में संभवतः है अत्युक्ति नहीं होगी। और कालूगणी द्वारा दीक्षित आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का व्यक्तित्व कैसे निखरा, वो धीरे धीरे हमारे संघ में
एक दार्शनिक संत, विद्वान संत के रूप में उभर करके सामने आ गई। और एक विद्वत जगत में मान लो उनके साहित्य की बात, उनका अच्छा साहित्य भी सामने आया, तो वे कालूगणी के द्वारा दीक्षित थे। कालूगणी ने एक बार जब मुनिश्री नथमल जी टमकोर संभवतः पंचमी समिति से आए थे, मुनि तुलसी के साथ आए गए होंगे, मुनि तुलसी तो वंदना करके थोड़े चले गए होंगे, बाल मुनि नथमल जी थे, तो कालूगणी ने कहा, अरे नथु तुमने आठवां अध्याय सीखा या नहीं? वो जो अष्टाध्यायी का आठवां अध्याय जिसमें प्राकृत व्याकरण है, प्राकृत आठवां अध्याय, जो हेम शब्दानुशासन में संभवत है सात अध्याय तो संस्कृत के हो गए, आठवां अध्याय प्राकृत की है का है, जिस अध्याय पर यह तुलसी मंजरी जो है वो तो एक प्रक्रिया वाली हो गई, वो मूल जो सूत्र रूप में आठवां अध्याय वो सिखाया नहीं, तो वो प्रेरणा मिली, मानो प्राकृत का भी अध्ययन हुआ। और मैंने संभवतः सुना था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से, कालूगणी ने मुझे आठवां अध्याय वो सीखने का फरमाया था, अगर वो मैं नहीं सीखता नहीं पढ़ता तो आगम कार्य में आज मुझे जो एक सक्षमता या अनुकूलता प्राप्त है, वो नहीं सीखता, कालूगणी नहीं प्रेरणा देते तो मैं कैसे इतना आगे बढ़ पाता। तो आठवां अध्याय वो जो हेम शब्दानुशासनम संभवतः आठवां अध्याय प्राकृत का, सात अध्याय संस्कृत के, आठवां अध्याय प्राकृत व्याकरण का, क्या प्राकृत भाषा के संदर्भ में है, तो वो सीख लेने से एक प्राकृत भाषा की सीख ले, फिर अच्छी तरह प्रक्रिया समझ ले, अर्थ समझ ले, तो प्राकृत भाषा का भी यो ज्ञान हो सकता है। और वो आठवां अध्याय आगे जाकर के वो तुलसी मंजरी के रूप में, जो जैसे कालू कौमुदी है वो तो संस्कृत व्याकरण की है, तुलसी मंजरी है वो प्राकृत व्याकरण की है, तो यह तुलसी मंजरी संभवतः आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बाद में तुलसी मंजरी का निर्माण कर दिया। तो यह कालूगणी की प्रेरणा मुनिश्री नथमल जी टमकोर को मिली, और वे कैसे हमारे धर्म संघ में कितने विद्वान मुनिवर के रूप में सामने आ गए, फिर वो हमारे धर्म संघ में निकाय सचिव बन गए। आचार्य तुलसी ने मुनिश्री नथमल जी टमकोर को निकाय सचिव के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया था, और फिर वो युवाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किए गए, और फिर वे आचार्य के रूप में स्थापित किए गए। आचार्य तुलसी ने अपने जीवन काल में स्वयं ने आचार्य पद का परित्याग या विसर्जन किया, और अपने युवाचार्य को आचार्य के रूप में अभिषिक्त कर दिया। तो दोनों ही कालूगणी के सुशिष्य थे, कि आचार्य तुलसी कालूगणी के सुशिष्य, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी कालूगणी के सुशिष्य। आचार्य महाप्रज्ञ जी को दो गुरुओं के पास रहने का मौका मिला, परम पूज्य कालूगणी के पास, और फिर लंबे काल तक आचार्य तुलसी के सान्निध्य में रहने का मौका मिला। और हमारे धर्म संघ में दोनों कालूगणी के सुशिष्य हैं, वो दो ध्रुव हैं। दो ध्रुव कैसे? दोनों ही कीर्तिमान हैं। दोनों कीर्तिमान कैसे हैं? जैसे भगवती सूत्र में आया कि सबसे अल्प आहार जीव कब करता है, तो इसी तरह सबसे अल्प आयुष्य में आचार्य बनने वाले तो आचार्य तुलसी थे, सबसे लंबे बड़ी उम्र में आचार्य बनने वाले आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। कि मानो आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत बाद में आचार्य बने, उसकी कसर आचार्य तुलसी ने पहले ही निकाल दी, वो इतने छोटी उम्र में आचार्य बन गए, जितने वे छोटी उम्र में बने उतने ही वे लंबी उम्र में आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य। दोनों का आचार्य काल मिलाएं तो एक ठीक व्यवस्था बैठ सकती है। आचार्य तुलसी करीब 60-61 वर्षों तक वो गणाधिपति काल को मिला करके रहे, तो दोनों अपने अपने ढंग से कीर्तिमान हैं। पर यह भी एक विशेष बात, आचार्य महाप्रज्ञ जी बड़ी उम्र में आचार्य बने,
उसके बाद भी उन्होंने अपने ढंग से, वृद्धावस्था आ गई थी शरीर के हिसाब से, तो धर्म संघ को नेतृत्व दिया और जो आगम आदि का कार्य भी आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, यात्रा भी कर ली। जीवन के नौवें दशक में वे मुंबई पधार गए थे। जीवन के नौवें दशक में ठेठ कहाँ लाडनू आदि से मान लिए, मुंबई की, गुजरात की, महाराष्ट्र कहाँ खानदेश पधार गए, मध्य प्रदेश, मालवा पधारे, दिल्ली पधारे, हरियाणा पधारे, पंजाब पधारे, कितने स्टेट्स उन्होंने जीवन के नौवें दशक में स्पृष्ट किए थे, प्रवास किया था। इतनी बड़ी उम्र में आचार्य बनना, फिर भी जो उन्होंने काम किया वो उनका नियति का योग, उनको आयुष्य भी लंबा मिला, 90 वर्ष का लगभग का उनको कालमान मिला। तो ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी जो हमारे धर्म संघ के विलक्षण आचार्य थे, विलक्षण आचार्य थे। पहली बात कि अपने गुरु के सामने आचार्य के रूप में विराजित होने वाले हमारे धर्म संघ के पहले ही आचार्य थे, कि गुरु भी जीवित हैं, विद्यमान हैं और उनके सामने वे आचार्य बन गए। ऐसा पहला ही प्रसंग है, आज तक का पहला और अंतिम है आज तक का, कि कोई अपने गुरु के सामने आचार्य बने हों। तो यह विलक्षणता थी। और आगम कार्य में उन्होंने जिस प्रकार से जो योगदान दिया वो महत्वपूर्ण है। आज ये भगवती सूत्र मेरे हाथ में, ऐसे कितने हमारे आगम हैं, इन आगमों के इस रूप में सामने आने में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का बड़ा योगदान है। उनके पास इतना ज्ञान था, वैदुष्य भी था, वो कार्य में अपना समय भी लगाया था। आचार्य तुलसी का नेतृत्व था, और आचार्य तुलसी भी मुझे याद है कई बार आगम कार्य में खुद बैठते विराजमान होते थे। और वैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी का तो बहुत ज़्यादा एक समय लगा और यह कार्य उन्होंने किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे कालूगणी में कहते हैं करुणा वत्सलता थी, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी देखा, आप में से कईयों ने देखा होगा, हमारे बाल मुनि कईयों ने देखा नहीं देखा, अपन हमारे कई संतों ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी में भी कितनी करुणा थी, कितनी वत्सलता थी। उनको आवेश में तो कोई ज़्यादा कोई देखने का भी, वो स्वयं भी फरमाते थे कि मुझे जिंदगी में गुस्सा कितनी बार आया, वो मतलब बहुत या कम, इतना कोई ज़्यादा गुस्सा आवेश करने का, तो करुणाशीलता और वत्सलता कितनी थी उनमें। तो कालूगणी की ऐसे तो कालूगणी करुणाशील थे, हालांकि कालूगणी और आचार्य तुलसी में थोड़ी समानता लगती है कि कालूगणी जैसे सास्ता सो शासन मात पिता सो प्यार हो, वो बात गुरुदेव तुलसी में देखने को संभवतः मिलेगी, सास्ता सो शासन मात पिता सो प्यार, ऐसा माना जाए। माने आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कालूगणी के संभवतः एक पक्ष को ग्रहण किया, उन्होंने दूसरे पक्ष को इतना संभवतः अपने आचार्य काल में आत्मसात करके नहीं रखा, उन्होंने एक पक्ष को पकड़ा होगा। जबकि मानो आचार्य तुलसी ने कालूगणी के दोनों पक्षों को मानो कि ग्रहण किया, जो भी उनकी प्रकृति रही कि वे मात पिता सा प्यार भी, तो कालूगणी की तरह आचार्य तुलसी कड़ाई भी कर लेते थे। तो हमें आचार्य महाप्रज्ञ जी एक करुणाशील व्यक्तित्व के रूप में मिले, वत्सल व्यक्तित्व के रूप में मिले। और उनका प्रवचन भाषण होता था, उनका प्रवचन भी बहुत बढ़िया, यानी एक तो उनकी भाषा जो उच्चारण था वो काफ़ी अच्छा था, यानी विद्वान भी थे, उच्चारण के जाता भी थे, वो साथ में उनकी बोली भी काफ़ी स्पष्ट थी, आवाज़ काफ़ी यूँ स्पष्ट, अच्छी स्पष्ट थी, वैदुष्यपूर्ण भी थी, और साथ में उनका वो ज्ञान वैदुष्य था, तो उनका प्रवचन भी अच्छा होता। कोई जमाने में तो उनका प्रवचन थोड़ा क्लिष्ट होता, यानी हर किसी के बस की बात नहीं उनकी पूरी बात को पकड़ ले। वो प्रसंग आता है, मैं भूल न करूं, एक कोई आदमी गुरुदेव तुलसी के पास आया,
आया बोला कि आज मुनि नथमल जी यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी उनका आज भाषण हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो व्यक्ति गुरुदेव तुलसी से बोला कि उस जमाने मुनि थे वे, कि मुनि नथमल जी बोले बहुत बढ़िया भाषण दिया आज। तो गुरुदेव तुलसी ने पूछा, तुम समझ गए क्या वो क्या बोले थे, तुम समझ गए क्या? कि समझा तो नहीं था मैं, तो तुम्हें क्या पता बढ़िया था कि कैसा था, तुम्हें क्या पता? कि और तो पता नहीं, वो जब बोल रहे थे ना तो आप यूँ सिर हिला रहे थे, यूँ सिर हिला रहे थे, तब मैंने समझा कि आज का भाषण बढ़िया है मुनि नथमल जी का। तब आचार्य श्री यूँ सिर हिला रहे हैं बार बार। तो उनके भाषण को समझना कईयों के लिए, मानो कि उनका भाषण होता तो लोगों के लिए नींद का समय मानो शुरू हो जाता। अब नथमल जी बोल रहे हैं क्या पल्ले पड़ेगा, भले नींद, ऐसी सी बात थी। बाद में मैंने सुना है आचार्य तुलसी ने उनको थोड़ा हिंट दिया कि देखो नथमल जी, अब थोड़ी भाषण की शैली को थोड़ी जनभोग्य बनाओ, आम जनता समझ सके ऐसी बनाओ ताकि जनता आसानी से पकड़ सके। और लगता है फिर उन्होंने परिवर्तन किया अपने भाषण की शैली में। उनके भाषण में देखे कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, बातें आती, फिर आम तौर से आम जनता भी उनके प्रवचन को, भाषण को यूँ मानो पकड़ने लग गई, समझने लग गई। तो कालूगणी के द्वारा दीक्षित परम पूज्य युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो अनेक अवदान देने वाले थे, प्रेक्षा ध्यान में कितना उनका योगदान, इधर जीवन विज्ञान की बात है, इधर आगम संपादन की बात, ऐसी कई बातें हैं। तो परम पूज्य कालूगणी और महाप्रज्ञ जी, हमें कालूगणी से दीक्षित ऐसे आचार्य प्राप्त हुए और जिन्होंने हमारे धर्म संघ की इतनी सेवा की, मानवता के लिए भी मानव कार्य किया। दानान सिद्धम अभय पयानम सच्चे सुयाम अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्रे।